हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल डूअर क्लासेस। मैं हूं देव। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में जो सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल थे उसके तहत हम लोगों ने पीएसएलवी की जो मैकेनिज्म है, कौन सा ईंधन यूज़ होता है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसे लॉन्च किया जाता है और किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसके जो फ्यूल्स हैं वो यूज़ होते हैं और कितने चरण में है, कितना वजन ले जा सकता है, अगर पोलर की बात की जाए, पोलर ऑर्बिट में या कहा जाए जीटीओ में, तो ऐसी जगहों पे कितने वजन का सेटेलाइट वहाँ तक लॉन्च किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट। देन आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बोला, जीएसएलवी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, स्पेशली यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। तो चलिए देख लेते हैं कि जीएसएलवी का मैकेनिज्म क्या है, जीएसएलवी कितने स्टेज में बना, हम लोग ये भी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि भारत ने किस तरीके से उसमें कामयाबी हासिल की, क्या जरूरत पड़ गई है जीएसएलवी को बनाने की, ये भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं से रिलेटेड जीएसएलवी के सारे पार्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ पीटी में नहीं एज वेल एज मेंस में भी, और साथ ही साथ आपसे इंटरव्यू के रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो एक तरीके से टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे या एक तरीके से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे, उनसे मे भी मुझे लगता है कि आपसे शायद मैकेनिज्म आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी आज के समय, इसरो जो हमारी स्पेस कंपनी है, स्पेस टेक्नोलॉजी के तहत जो हमारी इसरो है, आपको सबको पता होगा, जनरली इसके सारे सेटेलाइट जो लॉन्च होते हैं या मिसाइल जो लॉन्च होते हैं वो जनरली श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च होते हैं, या आपको पता होगा पुलिकत झील जो आंध्रा और तमिलनाडु के एकदम बीचों बीच में है, यानी आधा कुछ पार्ट आंध्रा में है और कुछ पार्ट तमिलनाडु में है, जो पुलिकत झील, तो उसके एक तरीके से लैगून झील के साइड पे जो द्वीप होता है, तो एक छोटा सा द्वीप श्रीहरिकोटा, वहाँ से ही ज़्यादातर लॉन्च किए जाते हैं। उसकी भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि क्या ज़रूरत है वहीं से लॉन्च करने की, अदर स्पेस से क्यों नहीं लॉन्च कर सकते, तो उसकी भी हम लोग लास्ट क्लास में, अभी थोड़ा सा समझ लें तो उसके बाद क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा उस लेवल की बात समझने में। तो चलिए आज हमारी बात करनी है हमें यहाँ पे, मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे आपको पता होगा कि जो इसरो प्राइवेट सेटेलाइट, यानी प्राइवेट का मतलब जो अदर देशों के सेटेलाइट्स को भेजती है, उसके लिए कौन उनके लिए प्रोजेक्ट लेके आता है, यानी कोई कंपनी तो होगी ना जिसके जो इनके लिए एक तरीके से बिजनेस प्रोवाइड कराता है, और ये लोग सिर्फ एज अ साइंटिफिक एक तरीके से भेजते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जनरली हिंदी में अंतरिक्ष बोला जाता है, ठीक है, तो ये एक तरीके से ऐसी कंपनी है जो इनके लिए क्या लेकर आती है, कौन से सेट, जैसे अभी आपको पता होगा कि ब्रिटेन के दो सेटेलाइट को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, तो उसका ऑफर लेकर आना, वो सारे देशों से कांटेक्ट करना, ये सारा काम अंतरिक्ष कंपनी का होता है, इसको एंट्रिक्स कहते हैं, एन ट्रिक्स, ठीक है, अंतरिक्ष हिंदी में जनरली इसको बोला जाता है, तो ये भी आप दिमाग में अपने माइंड पे रख के नॉर्मली एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए आज हमारा टॉपिक है जीएसएलवी, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग सारी की सारी चीजों की बातें यहाँ पे करेंगे। तो GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट, कि हम लोगों ने फुल फॉर्म के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है। तो GSLV के बारे में हमें क्या समझना है, मेनली ये तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप का मतलब हो गया GSLV मार्क वन। यानी इसकी क्या खासियत है, तो यहां पे आप समझ लें, इसकी ये खासियत है कि ये 1500 किलोग्राम का, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी, अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो इसका क्या महत्व है आप समझ रहे होंगे, कि 1500 किलोग्राम का सेटेलाइट ये जीटीओ पे स्थापित कर सकता है। मुझे यहाँ पे आई होप कि अब जीटीओ नहीं समझाना पड़े, मैंने ऑलरेडी दो तीन क्लास में उसे पूरी तरीके से समझा दिया है। तो 1500 किलोग्राम का सेटेलाइट ये लॉन्च कर सकता है, यानी वहां तक पहुंचा सकता है जीटीओ तक, ठीक है। वहीं सेकेंड वन की अगर बात की जाए तो जीएसएलवी मार्क थ्री के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही, उसी के बारे में मेनली बात भी करनी है। तो 2500 किलोग्राम का ये जीटीओ तक स्थापित कर सकता है। अगर आपको जीटीओ या सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, आप प्रीवियस ईयर की क्लासेस देख लें, आपको पूरा का पूरा अंदाजा हो जाएगा कि क्यों हम ये किलोग्राम की बात कर रहे हैं और क्या है जीटीओ, ठीक है। एंड थर्ड बट नॉट लीस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क थ्री,
ठीक है, मार्क थ्री, इसी के बारे में ज़्यादातर हम लोगों को बात करनी है क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है उसकी बात आप समझ जाएंगे अभी थोड़ी देर में ही। तो आप यहाँ पे पहले देख लें कि ये तीन टाइप की सेटेलाइट हो गए, वन टू एंड, तीन टाइप के मेनली GSLV होते हैं। बट आपको यहाँ पे समझना क्या है कि मार्क वन जो GSLV है वो 1500 किलोग्राम का GTO पे स्थापित कर सकता है। अगर आपने पिछली क्लास में ज़्यादा मतलब बेटर तरीके से ध्यान दिया हो तो वहाँ पे हमने देखा था कि PSLV हमारा जो है वो भी GTO में 1425 किलोग्राम तक का अप टू होता है हमेशा, इट्स नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, यानी इतने किलोग्राम तक का ये भी GTO पे स्थापित कर सकता है। और ये आपको पता होगा कि वह खास है, इसरो का एक तरीके से बहुत ही सक्सेसफुल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो इसके बारे में तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें के बारे में पीछे से ही मैंने दो तीन क्लासेस का आइडिया देता रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू भारत के लिए ना के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने GSLV मार्क वन पर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो आप याद रखें, इस इनडायरेक्ट तरीके से पूछ भी सकता है कि GSLV मार्क वन इस सन में भारत के द्वारा बनाने की कोशिश की गई, नहीं, उनके द्वारा मार्क वन के बारे में सोचा ही नहीं गया क्योंकि उनके द्वारा अपना PSLV इतना विकसित कर लिया गया कि वो 1500 किलोग्राम के अप टू वो GTO तक PSLV से ही स्थापित कर लेता है और अब भी वही कर रहा है वो। ऐसा नहीं है कि PSLV आज आज के समय में GSLV हमारे पास है तो PSLV का यूज़ नहीं हो रहा है, PSLV से ही वो अगर इतने किलोग्राम तक के होते हैं तो वो PSLV से ही लॉन्च करता है क्योंकि उसके बारे में इसरो एक तरीके से बहुत ही बार उसने प्रैक्टिस की है और उसका ऑलवेज मैक्सिमम टाइम पे PSLV उसका सक्सेस रहा है। आगे बात कर लेते हैं GSLV मार्क थ्री। GSLV मार्क थ्री में क्या है, GSLV मार्क थ्री के तहत जो इसमें इंजन लगना है वो क्रायोजेनिक इंजन 7.5 लगना है। आगे हम क्रायोजेनिक इंजन क्या है उसका भी मैकेनिज्म समझेंगे। और ये है GSLV मार्क थ्री, आपको दिख ही रहा होगा 4500 किलोग्राम का एक तरीके से सेटेलाइट ये GTO पे स्थापित कर सकता है और इसमें जो क्रायोजेनिक इंजन लगता है वो लगता है 20 का, ठीक है। इस पे जो क्रायोजेनिक इंजन लगता है वो लगता है 7.5 का। अब दोनों की मैकेनिज्म सेम है बट उसके हॉर्स पावर ये सारी चीज़ों को लेकर मे बी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। चलिए उसी के सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे LVM लिख कर भी ऐसे कर कर भी आप न्यूज़ वगैरह में देखेंगे कि LVM, LVM क्या होता है, LVM का मतलब है लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री, ये आप न्यूज़ में ये भी अक्सर सुनेंगे। तो इसी तरीके से LVM टू भी है और LVM थ्री भी है, तो LVM थ्री को अब हमें यहाँ पे देखना है कि इन दोनों में जो क्रायोजेनिक इंजन है जिसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस आ रहा है और किलो वो ज़्यादा ये ज़्यादा वजन का उठा ले रहा है GTO तक और ये कम वजन का, तो इन दोनों के मैकेनिज्म जैसे ही आप समझ लेंगे वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग इसकी मैकेनिज्म के बारे में ही समझ लेते हैं कि जनरली जो GSLV होता है उसमें कितने स्टेज होते हैं और किस तरीके से होते हैं। तो GSLV की स्टेज की चलिए बात कर लेते हैं और उसमें क्या है ये क्रायोजेनिक इंजन जिसे बनाने में हमें बहुत ही साल लग गए और अभी जाकर 17 में पहला हमने सेटेलाइट एक तरीके से लॉन्च किया। आपको बता देना चाहता हूँ GSAT-19। अब GSAT क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पूरी तरीके से बात करेंगे। जो GSLV मार्क थ्री के द्वारा अप्रॉक्स मुझे लगता है कि जून 2017 में, 2017 तो सेम है बट जून 2017 में GSAT-19 को पहला ऐसा इसको मतलब डेवलप्ड फ्लाइट नंबर वन भी इसका नाम दिया गया GSLV मार्क थ्री D1, यानी GSLV के मार्क थ्री को हम लोग 2017 में विकसित करके उसे सेंड कर पाए, इतना लंबा उसका दौर है। और वहीं अगर हम रसिया उसिया की बात करें तो उन्होंने 80 या 90s के दशक में ही उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन को प्राप्त कर लिया था, तो उसकी भी हम बात करेंगे इतिहास की। तो चलिए यहाँ पर पहले इतिहास की बात कर ली जाए कि वाकई चलिए पहले हम लोग यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन का जो मैकेनिज्म है उसको देख लेते हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन, क्योंकि अगर हम GSLV की बात करें तो GSLV मेनली तीन स्टेज में होता है, ये हो गया थ्री स्टेज। पहला आपका सॉलिड एंड सेकंड वन इज अ
लिक्विड फ्यूल, ठीक है, एंड थर्ड वन इज क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन 220, ठीक है। तो क्रायोजेनिक इंजन इसके तहत यूज होता है। क्रायो का मतलब आपको आई होप पता होगा, क्रायो का मतलब होता है CRYO, क्रायो का मतलब होता है कि टेम्परेचर बहुत कम, यानी टेम्परेचर अप्रॉक्स -150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम, ठीक है। तो क्रायो का मतलब आप यहाँ पे समझ लें, तो क्रायो का मतलब ये होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन जो यहाँ पे यूज हो रहा है, उसकी मैकेनिज्म मेनली समझनी आपको। आई होप कि सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा। सॉलिड में जनरली जैसे हम लोग HT PB लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने बात कर ली है। लिक्विड के बारे में आपको पता ही होगा, UDMH एंड ऑक्सीडाइजर के रूप में N2O4, ठीक है। तो N2O4 के रूप यूज होता है, और सॉलिड में HT PB, ये हमने ऑलरेडी पहले बात कर लिया था। तो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, तीन स्टेज का हमारा GSLV होता है। अब GSLV में क्रायोजेनिक इंजन ही हमें यहाँ पे समझना है कि इसके तहत क्या मैकेनिज्म है। तो वही सारी चीज़ों की बात हमें करनी है। तो क्रायोजेनिक इंजन की जो टेक्नोलॉजी है, इंजन की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में समझ लेते हैं। इसके तहत प्रपल्सन जो प्रपलेंट होता है वो इस तरीके से होता है। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको बेटर तरीके से समझा देता हूँ। यानी प्रणोदक, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रणोदक, जो होता है प्रणोदक के तहत इसमें फ्यूल फ्यूल जो होता है, फ्यूल होता है इसमें, यानी ईंधन होता है इसमें हाइड्रोजन, वो भी किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। आपको पता होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर में हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होता है, उसे लिक्विड अवस्था में लाने के लिए हमें टेम्परेचर को क्या करना होगा, टेम्परेचर को कम करना होगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और प्रेशर को बढ़ाना होगा। टेम्परेचर कितना कम करना है उसकी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस, जरूर बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी गया और पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ GSLV से लॉन्च हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल है, तो उसकी वजह से वो इस पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस तो देते ही हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसका है -253 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस इंजन के तहत हमें इस फ्यूल को ठंडा करना होता है, जिससे वो लिक्विड फॉर्म में आता है। तो याद रखें कि हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में, अब हाइड्रोजन से सिर्फ तो फ्यूल जल नहीं जाएगा, उसके लिए हमें चाहिए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देख लिया, ऑक्सीडाइजर। तो ऑक्सीडाइजर के तहत हम यहाँ पे ऑक्सीजन को ही यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजर के तहत हम लोग यहाँ पे O2 को यूज करते हैं, वो भी लिक्विड फॉर्म में, बोधारिन लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब O2 भी आपको पता होगा कि जनरल टेम्परेचर में ये गैसीय अवस्था में रहता है, और अब इसी लिक्विड में करने के लिए इसमें भी सेम टू सेम मैकेनिज्म स्थापित करनी पड़ेगी। तापमान को कम करना, प्रेशर को बढ़ाना, और कितना तापमान कम करना है वो आप याद कर लें, 183 डिग्री सेंटीग्रेड, -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम ये दोनों चीज़ें करते हैं, और इसको करने के लिए हमें क्रायोजेनिक इंजन की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरीके की टेक्नोलॉजी बनाने में भारत को कई वर्ष लग गए, और ये बहुत ही जटिल टेक्नोलॉजी है। हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे नहीं जाना है, हमें जनरल सी बात समझनी है कि क्रायोजेनिक इंजन के तहत किस तरीके से फ्यूल यूज़ होता है, और यही चीज़ें पूछने की संभावना ज़्यादातर रहती है। तो आपको समझ में आई होप आ गया होगा कि फ्यूल के तहत H2 एंड ऑक्सीजाइड, सॉरी, फ्यूल के तहत H2 एंड ऑक्सीडाइजर के तहत O2 कितने डिग्री पे, -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम O2 को लिक्विड अवस्था में पाते हैं, और उसके तहत फिर यहाँ को हम 253 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में हम इसे ठंडा करते हैं, तब जाकर ये लिक्विड अवस्था में, और फिर वो अचानक थ्रस्ट करते हुए, अचानक प्रपल्ट करते हुए एक इंजन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, यानी 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। तो ऐसा इंजन मैकेनिज्म कि -253 से, और प्रपल्ट करने के बाद यानी जलने के बाद वो 3000
डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक की सहने की क्षमता जिस इंजन को होती है उसी को कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। तो इस लेवल की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है और भारत को काफी वर्ष लग गए। तो आई होप कि आपको इसका मैकेनिज्म मेनली समझ में आ गया होगा कि क्या मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। आपने अगर नोट नहीं किया हो तो आप नोट कर लें, तो फिर मैं आगे चले बात कर लेते हैं। आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं बात कर लेते हैं कि क्या इसकी एक तरीके से यात्रा रही, किस कैसे ये मतलब स्थापित हुआ, किस तरीके से हम इस लेवल तक पहुंचे कि हम इस तरीके का इंजन बना सकें। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहली बार हुआ क्या था, 1992 में की बात है, हमने रसिया से क्रायोजेनिक तकनीकी संबंधी करार किए थे, ठीक है। बट जब रसिया का एक तरीके से विघटन हो गया, आपको पता होगा कि रसिया का 1991 में एक तरीके से कोल्ड वार भी खत्म और रसिया विघटित भी हो गया, उसके पश्चात रसिया ने हमें इस तकनीकी को देने से मना कर दिया, ठीक है, उसने फाइनली फैसला लिया। तो जाकर जब रसिया ने मना कर दिया तो हमने खुद ने 1994 में हमने खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाने की ठानी और हमने एक संस्था बनाई LPSC, वो भी महेंद्रगिरी में। आपको पता होगा महेंद्रगिरी कहाँ है, बहुत ही फेमस जगह है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु, ठीक है। अब LPSC है क्या? LPSC का मतलब है लिक्विड प्रोपल्शन, ठीक है, आप लिख लीजिएगा बेटर तरीके से, मैं यहाँ पे लिखने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। सिस्टम सेंटर, सॉरी सेंटर, ठीक है, ठीक है, सेंटर। आपको ये साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, मैंने ऐसे ही घसीट दिया है। आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में हमने LPSC की स्थापना की, यानी द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र में क्रायोजेनिक अपर स्टेज डेवलपमेंट मतलब अपर स्टेज का, जो अपर स्टेज मतलब सेकेंड मार्क टू और मार्क थ्री, ठीक है, के क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए इस संस्था का हमने स्थापना किया, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, ठीक है, लिक्विड प्रोपल्सन सेंट्रल सिस्टम, ठीक है। उसी के मद्देनजर रखते हुए जब इनकी पहली प्रायोगिक उड़ान जनवरी 2014 में जाकर इन्होंने पहली बार दो प्रमोशन, इसके पहले असफल रहे एक तरीके से, 2010 के आसपास GSLV के दो प्रमोशन, 2010 में इन्होंने एक बार बनाया तो दोनों असफल रहे, दो प्रमोशन इन्होंने प्रमोशन किए बट वो असफल रहे, बट वही 2014 जैन में इनको सफलता मिली, ठीक है। तो 2014 जनवरी में इन्होंने GSLV-D5 करके एक सेटेलाइट, यानी ये है मार्क टू का, मार्क टू मतलब इसमें क्रायोजेनिक इंजन, आपने पहले ध्यान दे ही लिया है, 7.5 का लगेगा, ठीक है। अभी GSLV मार्क थ्री हमने डेवलप नहीं किया, तो GSLV मार्क टू हमारा सक्सेस रहा, जनवरी 2014 में इसका सफल प्रयोग किया गया। और याद रखें कि इसके तहत इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, हमने कौन सा सेटेलाइट लॉन्च किया, वो है GSAT-14, एक तरीके का ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट होता है, ठीक है, एक तरीके का कम्युनिकेशन सेटेलाइट होता है। जी सैट क्या है, इन सैट क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग आगे बात करेंगे कि सेटेलाइट के टाइप्स के बारे में, और उसमें जाकर हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके पश्चात GSLV-D5 में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन हमारा, यानी डोमेस्टिक क्रायोजेनिक इंजन, याद रखें स्वदेशी, हम लोग अभी तक बाहर से लाकर किसी तरीके से बनाने की कोशिश करते थे, बट ये स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन 7.5 का उपयोग हुआ। और इसके साथ ही यानी GSLV का यूज़, यानी क्रायोजेनिक इंजन बहुत ही कम देशों के पास विश्व में है, इसके साथ ही भारत विश्व का सिक्स्थ यानी छठा देश बन गया, याद रखें आप इस चीज़ को, छठा देश बन गया जिसके पास अपना क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी है। तो या इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि पुराने पांच देश कौन है, तो पांच देशों की लिस्ट में आपको पता होगा, USA, यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका, रसिया, क्योंकि उसी से हम लोगों ने करार भी किया था, रसिया के पश्चात हमारा चाइना, यहाँ पे थोड़ा लिखते नहीं बन रहा इस वजह से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मैंने उल्टा कॉपी रख ली है, चाइना के पश्चात जापान,
जापान के पश्चात फ्रांस, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, जापान के पश्चात फ्रांस एंड आफ्टर दैट इंडिया हमारा, तो इस तरीके से सिक्स्थ ये हमारा भारत बन गया, मतलब विश्व का छठवां ऐसा देश बन गया जिसके पास क्रायोजेनिक इंजन प्रणाली थी। तो ये था पूरा का पूरा एक तरीके से थोड़ा बैकग्राउंड, क्योंकि अक्सर मेंस में क्या होता है कि बैकग्राउंड के साथ स्टार्ट करने में एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये था भारत का एक बैकग्राउंड, किस तरीके से क्या सारी चीज़ें हुई जब ये क्रायोजेनिक इंजन सफल रहा। तो ये जो LPS है, ठीक है, LPS को एक तरीके से स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, और स्वायत्तता प्रदान करके इसका नाम रख दिया गया इसरो प्रपल्सन सेंटर, ठीक है, IPC। और ये अब सीधा इसरो के जो चीफ है उसके अंतर्गत ये काम करने लगा। सॉरी, जब ये जनवरी 2000, आपको जैसे मैंने बताया जनवरी 2014 में इसकी सफलता मिली, उसके पश्चात इसे एक तरीके से स्वायत्तता प्रदान कर दिया गया। और जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था, हम लोगों ने विकास इंजन, उसे भी इन्हीं के इसी संस्था के द्वारा डेवलप किया गया था। तो आपसे शायद पूछा जा सके, विकास इंजन इसी संस्था के द्वारा डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने, जहाँ पे भी हम सेटेलाइट में लिक्विड इंजन की या लिक्विड फ्यूल की बात करेंगे, वहाँ पे हमने अपना डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक मतलब घरेलू तकनीकी है, घरेलू मतलब इंजीनियरिंग को द्वारा ये बनाई हुई तकनीकी है। अभी तक हम लोग विकास इंजन के पहले लिक्विड प्रोपल्शन के लिए हम लोग बाहर पे आश्रित थे, ठीक है। अब बात आती है कि क्या ज़रूरत है मातृ की। तो आपको मैंने बताया कि PSLV की क्या लिमिट है, कितने किलोग्राम तक का वो सेटेलाइट एक तरीके से GTO पे लॉन्च कर सकता है। तो आपको पता होगा PSLV की लिमिट 1500 किलोग्राम की सेटेलाइट तक है GTO पे स्थापित करने का मैक्सिमम, अगर हम बूस्टर वूस्टर लगा देते हैं फिर भी। बट आज के समय में जो संचार उपग्रह या मौसम उपग्रह हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इनसैट या जीसैट, उनका अप्रोक्स देखा जाए तो वेट होता है 4 टन, यानी 4000 किलोग्राम के आसपास, उनका केजी के आसपास उनका वेट होता है। इस वजह से अगर हम जियो नहीं बनाते, यानी GSLV हम लोग ने स्थापित नहीं किया होता, तो हमें हमेशा दूसरे देशों पे निर्भर रहना पड़ता, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन की कितनी ज़्यादा डिमांड है आप वो ऑलरेडी ऑब्जर्व कर सकते हैं। गली गली आजकल इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करानी है हर जगह, इंटरनेट के साथ साथ हमें बहुत सारे चैनल, बहुत सारे टीवी शोज, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें। और मोबाइल्स का तो आपको पता है हर घर एक मोबाइल हो चुका है जनरली, अगर देखा जाए, एवरेज अगर देखा जाए। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारा पेलोड और बहुत सारी सेटेलाइट की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं GSLV बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी तकनीकी। आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आगे स्टेप बाय स्टेप फिर क्या हुआ। तो GSLV Mark 3, ये हमने अभी तक क्या बात किया, GSLV Mark 2। आई होप आपने नोटिस किया हो हमने GSLV Mark 2 में किस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप हमने सफलता हासिल की। अब GSLV Mark 3 में क्या होगा, GSLV Mark 3 में सर्वप्रथम हम लोगों ने दिसंबर 14 में हम लोगों ने पहली प्रायोगिक उड़ान इसकी भरी, ठीक है, प्रायोगिक उड़ान थी ये, फर्स्ट प्रायोगिक उड़ान हमने इसके तहत भरी, ठीक है। और फर्स्ट प्रायोगिक उड़ान में हमने क्या किया, इसमें हमने क्रायोजेनिक इंजन को टेस्ट नहीं किया, हमने फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज को इसके तहत टेस्ट किया, यानी वो भी तो उस लायक होना चाहिए कि उतने वेट को उठा सके और फिर क्रायोजेनिक इंजन बाद में वो अपना काम करेगा। तो उतने वेट की चीज़ों के लिए हम लोगों ने पहले स्टेज और सेकेंड स्टेज को टेस्ट किया, ठीक है। तो और साथ ही साथ हमने क्रू मिशन को भी इसी के तहत टेस्ट किया। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, CARE, क्योंकि ये इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने CARE यानी क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फियरिक
रीएंट्री एक्सपेरिमेंट। अब ये है क्या? ये इसके तहत इंसान को अंतरिक्ष में भेजना और उसे पुनः, क्योंकि अब अंतरिक्ष में सेटेलाइट भेजकर उसे वापस प्राप्त करने की तो आवश्यकता होती नहीं है, बट इंसान अगर अंतरिक्ष में जाएगा तो उसे वापस भी आना है, तो इस तरीके का एक कैप्सूल बनाना जिसके तहत इंसानों को बैठाया जा सके और उसे वापस फिर सही सलामत पाया जा सके, उसके लिए बहुत ही बेहतर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। तो उसी को बोलते हैं केयर मिशन या क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट। तो इसे भी इसके तहत प्रायोगिक के तहत जीएसएलवी मार्क थ्री के प्रायोगिक उड़ान के तहत इसे भी उड़ाया गया और फिर इसे हमारे बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त किया गया। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा अभी 15 अगस्त को लाल किला से उन्होंने बोला भी कि 2022 तक गगनयान के तहत हम लोग अंतरिक्ष में मानव भेजेंगे, तो उसको भी लेकर चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो उसी में यही क्रू मॉड्यूल ही है जिसके जिसमें 3 लोगों को बैठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और वापस उन्हें पृथ्वी पर प्राप्त किया जाएगा। ये था हमारा एक तरीके से प्रायोगिक, बट क्रायोजेनिक इंजन की कब हम लोगों ने प्रैक्टिस यानी सफलता प्राप्त की, तो जुलाई 2015 में क्रायोजेनिक इंजन की जमीनी परीक्षण किया गया। ठीक है, इसका जमीनी परीक्षण, ना कि आसमान में उड़ाया गया, इससे पहले जमीनी परीक्षण इसका 2015 में सफल रहा, बहुत अच्छे तरीके से सफल रहा और इसे 800 सेकेंड तक चलाया गया। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, उस समय ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी 2015 के आसपास। ठीक है, तो 800 सेकेंड तक इसे जमीनी परीक्षण किया गया और हमने पाया कि हमारा क्रायोजेनिक इंजन मार्क थ्री यानी क्रायोजेनिक इंजन 20 बहुत ही सफल रहा। ठीक है, उसके पश्चात क्या हुआ, कब हमने पहला सेटेलाइट भेजा, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि पहला सेटेलाइट हम लोगों ने जीएसएलवी मार्क 3 डी वन का मतलब ही है डेवलप्ड फ्लाइट नंबर 1। और अब इसके तहत हमने भेजा क्या, जैसा कि मैंने बताया कि जी सैट भारत का सबसे वजनी सेटेलाइट जी सैट 19। पूरी की पूरी हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि जी सैट क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो इसे हमने भेजा अपना पहला फ्लाइट नंबर 1 जो D1 Mark 1, ये सफल हमारा हुआ जून 17 में, 5 जून 17 आप लिख सकते हैं इसे, सॉरी 5 जून 17 में इसे सफलतापूर्वक हमने स्थापित किया जी सैट 19 को अपने मार्क 3 के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा इतिहास था, इसके तहत मैकेनिज्म थी जो हमने अभी समझ लिया। अब ये बात आती है कि इससे जुड़ी चुनौतियां क्या हैं, जनरली यही पूछा जाता है। तो चुनौतियों के बारे में पहले मैं आपको, जनरली आपको समझ में ही आ रहा होगा कि बहुत ही निम्न तापमान पे ईंधन और ऑक्सीडाइजर को बहुत ही कम तापमान में ईंधन और ऑक्सीडाइजर को संग्रहित किया जाता है, उसके लिए बहुत ही विशिष्ट तरीके की मिश्र धातु हमें पता करनी पड़ी कि किसका कितना मिक्सर के द्वारा वो धातु इतने कम टेम्परेचर को और बहुत अधिक तापमान को सह सकेगी, क्योंकि दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आपको नहीं देखा होगा कि 253 डिग्री सेंटीग्रेड पे माइनस पे और करीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड डायरेक्ट प्रणोदक प्रपल्शन पैदा करता है, तो उस तरीके की मिक्स धातु जो कि इस चीज़ को सह सके वो बनाना बहुत टफ था, उसे ढूंढा गया। साथ ही साथ दूसरी क्या इसके साथ चुनौती थी कि हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि अति तीव्र पंप ऐसा जो लिक्विड यानी इतने कम तापमान के लिक्विड को और इतने अधिक तापमान के प्रपल्सन तक पहुंचाने के लिए जो हमें पंप की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें पंप ने हमने लगाया वो विकसित करने में हमें बहुत ही ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ये चुनौती आपको लिखनी होती है, ठीक है, और इसी इस मिश्रण के यानी ईंधन और ऑक्सीडाइजर के मिश्रण से जिससे विस्फोट की संभावना को कम किया जा सके, ये बहुत ही लंबे समय के पश्चात ये सारी चीज़ें आई हमारे सामने। तो इस तरीके से था पूरा का पूरा जीएसएलवी का इतिहास। कल हम लोग बात करेंगे कि सेटेलाइट कितने टाइप के हैं या उसके तहत क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, चाहे जैसे सोलर पैनल की बात की जाए, ट्रांसपोंडर क्या होते हैं, पेलोड क्या होते हैं, जो मैं बार बार एक शब्द बोलता रहता हूँ बीच बीच में,
और है क्या सारी चीजें, उसके पश्चात हम बात करेंगे कि रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट क्या है, जीसैट क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसी तरीके से बने रहें, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको सारी चीजें समझ में आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता रहता है कि आपको क्या चीजें और चाहिए, उसी के तहत हमारी टीम इस पर काम करती रहेगी। इसी तरीके से बने रहें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।